हमेशा से बहुत पसंद है। तो मैं देखती थी, मामा बनाती थी, लेकिन मैंने खुद कभी ट्राई नहीं किए थे। और जैसे बाहर दिल्ली वगैरह में, बाकी जगह, बाकी स्टेट्स में और भी तरीके के पिकल्स होते हैं। हम जैसे मोस्टली यहाँ पे मिक्स्ड वेज खाते हैं, कश्मीरियों को वही कश्मीरी अचार पसंद है। लेकिन मैंने बीट रूट का पिकल ट्राई किया था, अनियन का, गार्लिक का, वो यहाँ बहुत कम मिलता है। तो जब मैंने वो भी ट्राई करना स्टार्ट किया तो लोगों को बहुत पसंद आने लगा। पहले मैंने घर पे ही सबको टेस्ट कराया, फ्रेंड्स फैमिली, उनने काफ़ी पसंद किया। तो मैंने सोचा अगर इनको पसंद आ रहा है तो ऑब्वियसली सबको ही पसंद आएगा। अभी हमारी पिकल में 7 वैराइटीज़ हैं। उसमें हमारा पिकल्स में डिफरेंट है बीट रूट पिकल, जो हमारा बेस्ट सेलर है, और हमारा डेट पिकल। हम ऑनलाइन हमने डेट पिकल स्टार्ट किया तो लोग बहुत रिलैक्टेंट थे, उनको समझ नहीं आ रहा था खजूर का कैसा अचार होगा, कैसा मज़ा होगा। लेकिन रिसेंटली हमने कुछ एग्जिबिशंस किए तो जब हमने डेट पिकल लोगों को टेस्ट कराया ना, तो जो हमारा डेट पिकल का स्टॉक है वो फॉर एग्जांपल 3 दिन के एग्जिबिशंस रहे, तो वो हमारा डे टू पर ही सारा स्टॉक ख़त्म हो जाता था। तो डेट पिकल काफ़ी ज़्यादा हमारा डिफरेंट है। मेरा थोड़ा ये माइंडसेट हमेशा था कि स्पेशली जब से मेरे बच्चे हुए कि मैं अपने बच्चों को भी इक्वली टाइम दे पाऊँ, क्योंकि थोड़े स्टार्ट के इयर्स होते हैं, मैं चाहती थी कि मैं अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड कर पाऊँ और कुछ ऐसा भी साथ में करूँ जो मतलब मेरे ड्रीम को आगे भी ले जाए। तो मुझे उसमें बिजनेस ही ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से कर पा रही हूँ सब कुछ, मैं टाइम मैनेज कर रही हूँ अपनी मर्ज़ी से, और मैं कुछ ऐसा भी कर रही हूँ जो मुझे पर्सनली पसंद भी है। आई एम नॉट बाउंड अंडर एनी वन एल्स। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे बॉटल्स की ज़रूरत थी, मुझे पैकेजिंग की ज़रूरत थी, प्रिंटिंग वगैरह। तो बीइंग अ गर्ल थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि मतलब जितना एक लड़का एक्सप्लोर कर पाता है सारी जगहें, सारे सेलर्स वगैरह, लड़की से नहीं हो पाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा है। मैं शायद पहले बहुत डर रही थी कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे आप स्टार्ट करते हो आपको खुद ही डायरेक्शन मिलती है, आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस भी आता है। और लड़कियों का तो माशाल्लाह वो तो ऑलराउंडर होती है, घर भी संभाल सकती हैं, बाहर भी काम कर सकती हैं, तो बिल्कुल क्यों नहीं कर सकती हैं। और हमारे पास आजकल सोशल मीडिया है तो इतना बड़ा सपोर्ट है कि हम घर से ही सारा कुछ काम कर सकते हैं। हम मेरा ख्याल आया कि वाई नॉट गिव इट अ ट्राई कि मैं ऑनलाइन स्टार्ट करूं। मैंने इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया लास्ट ईयर फेब में, 2021 फेब। तो हमने इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा पेज बनाया, तो उससे हमने प्रमोशन वगैरह स्टार्ट कर दी। और हमें इन द फर्स्ट वीक ऑफ प्रमोशन ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए। तो स्टार्ट हमने पहले 3 पिकल से किया, जैसे हमने स्टार्ट किया मटन, चिकन एंड चिली पिकल से। तो उसके बाद जब हमें लगा कि रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो मैंने और पिकल्स इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो शुक्र बहुत अच्छा चल रहा है।